चलो रिगिंग स्टार्ट करते हैं। रिगिंग स्टार्ट करने से पहले हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल परस्पेक्टिव में क्या, ये हमने प्रेजेंटेशन के लिए रख रखा था, मुझे भी इसकी नीड नहीं है तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे दूसरी पार्ट लाइट दिखा है, लाइट मुझे यहाँ पे नहीं दिखना है तो मैंने सो पे गया, लाइट को मैंने कर दिया ऑफ। मेरा जो करेक्टर है वो करेक्टर कैसा होना चाहिए वो हमें ध्यान देना है। ये मेरा करेक्टर, दिस इज अवर करेक्टर, ठीक है। अभी ये करेक्टर होगा कि मैं देखूँ मेरे पास ये करेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। मैंने स्विफ्ट एंड राइट क्लिक फ्रंट पे गया, फ्रंट व्यू में यहाँ देखा, मेरे पास करेक्टर का सबसे मेन पार्ट क्या, करेक्टर पर सेंटर पर होना जरूरी है। मेक श्योर देखो अनवांटेड चीजें, सबसे पहला पार्ट अनवांटेड चीज को मुझे यहाँ पे नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अनवांटेड चीजों को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टेप बाई स्टेप चीजों को थोड़ा तो मैनेजर फुलफिल करते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे चीजों को मुझे मैनेज करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने कहीं स्मूथ तो नहीं लगाया, स्मूथ मतलब वन आपका ऐसा है और थ्री प्लस करके हम लोग काम कर लेते हैं जो आर्नोल्ड में चल जाता है, सिर्फ और सिर्फ आर्नोल्ड रेंडर पे देखेगा, मैं यहाँ पे नहीं देखेगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको वन प्रेस करके स्विफ्ट एंड स्मूथ हो रहा है, ये ध्यान देने का, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये लगा दिया, इसका तो आप हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते, नहीं तो ये सारा खराब हो जाएगा। कई बार नेट पर जो लोग फाइल अपलोड करते हैं वो इसीलिए ऐसे स्मूथ लगा के ट्रायंगल करके अपलोड कर देते हैं, हिस्ट्री डिलीट करके अपलोड करते हैं ताकि उसका यूज ना हो सके, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ध्यान देना है, किसी भी मॉडल पर स्मूथ हो तो हिस्ट्री डिलीट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, जैसे कोई बस ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिख रही हैं, इनके डिलीट करने से कुछ फर्क तो नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई चीज़ डिलीट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप देखो पहले तो क्रॉस चेक करो पर्सपेक्टिव पे, यहाँ से हमने रिगिंग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ पे पहले क्रॉस चेक किया, देखो हमने बेसिक कार्टून मॉडल बना रखा है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, एक बेसिक लुक एंड फील दे रखा है कि हम लोग ऐसा कुछ काम कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है। और देन एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद इसको आप डिलीट कर सकते हो, आप यहाँ पे चूहे को कैसे मैनेज करना है। दूसरी बात, मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया जो टंग और चीज़ें बची हुई हैं, जैसे मैंने चीज़ों को मैं मैनेज करके रखूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो वन प्रेस करने पे ये थ्री प्रेस करने पे ऐसा जाएगा, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ग्रिड का है मेरे पास, यहाँ पे कंट्रोल जी ग्रुप है ना, कंट्रोल जी ग्रुप मॉडिफाई सेंटर पर टिको वन टू एंड थ्री, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बनाया यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट ये स्टार्टिंग करने से पहले आपको सबको बैलेंस कर देना है, देखो यहाँ पे क्या पार्ट है, किस टाइप से दिखाना है, ये आपका ये लोअर या अपर जो आप देखें यहाँ पे लेफ्ट में गए, इन चीज़ को आप दिखा सकते हो, जैसे ये यूजुअली ऊपर वाले हमारे बाहर की तरफ रहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाना है तो पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो ये मेरा काम कर जाएगा, नहीं तो वो कैसे दिखाओ, चीज़ एक दूसरे इंटरसेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो और देखो यहाँ पर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे मैनेज करते मुझे क्या ध्यान देना है क्या, कि इसको मैंने यहाँ पे क्या क्या डिफॉर्मर्स पर गए, डिफॉर्मर में जाने के बाद क्या कर सकता हूँ, लेटिस, ठीक है, और चाहो तो टू टू ले लो, टू टैब टू एंड टू, ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, हुआ। अभी मैं फ्रंट में जाके भी मैं मैनेज करूँ राइट क्लिक एंड लेटेस्ट पॉइंट, तो इसको मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, देखा मैं आर फोर स्केल ये मैंने हल्का सा ऐसे ही मैनेज करना ताकि चीज़ देखा। अभी आपका ऐसे नहीं मैनुअल में आप लगे, अभी आपका काम ये होगा जो डिफॉर्मर से जो आपका काम हो जाए, दिस इज गुड, ठीक है। आप चीज़ को अलग यूनिवर्सल भी स्केल करते हो तो बेटर देखेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इतना काम, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ऊपर पे गए अपर एरो, ठीक है, इसमें भी डिफॉर्मर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिफॉर्मर बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अगर इसे मैनुअल मैनेज करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पे लेटिस पे गए राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, फ्रंट पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया देन, ठीक है, हल्का सा जो एक दूसरे को ऊपर चीज़ें ऊपर आ जाए, ठीक है, लेकिन मतलब इंटरसेक्ट ना करें, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो कि ठीक है ऐसा कुछ दिखाओ, आप मैनेज कर सकते हो। बट डिटेल में आओगे तो और भी चीज़ें बहुत मैनेज करने के लिए मिलेगा क्या, कि अगर मैं करता हूँ तो एकदम से अलग भी नहीं। ये देखो ऊपर की पार्ट यहाँ पे देखें, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में जाना आपने यहाँ पे सेट किया, आपने यहाँ पे हल्का सा ये पार्ट ऐसे दिखा दिया मैंने, ये पीछे गए, ये देखो पीछे का आपने यहाँ पे ऐसे मैनेज करते हो, तो ऐसे करके तो और ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे तरीका है, मेथड है, आप एक एक करके करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तभी हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड,
दिस वन एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। टंग भी देख लेते हैं, जैसे मेरे पास अगर मैं देखूँ टंग का पार्ट भी है, अगर यहाँ पे जो मेरे पास रेफरेंसेज हैं ये देखना, टंग कितना जाता है यहाँ पे, कुछ यहाँ से यहाँ तक, ये तो मेरे पास ये पार्ट पूरा, यहाँ पे कैविटी का पार्ट भी आता है क्या, कैविटी अगर मैं अंदर के कैविटी बना के फिर टंग वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ कुछ चीज़ ऐसी जो थोड़ा सा भी एड ऑन करने की नीड है, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सा आइडिया कर देता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, फोकस में गए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक एंड पॉली क्यूब, ठीक है, फ्रंट में गए और आर्टिफिशियल स्केल, ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट टॉप पे गए, ठीक है, एंड जी मतलब रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट कर दो, रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक्स डब्ल्यू यहाँ पे, तो उसे मैनेज कर दिया फोर। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिखा दिया मैंने, यहाँ पे थ्री प्रेस करोगे तो आपका अपने आप स्मूथ दिखेगा, वन प्रेस किया लेफ्ट में गए। मैं लोग यहाँ पे मेहनत क्यों कर रहे थे कि मुझे बार बार दूसरे में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और ये पार्ट थोड़ा सा मैं इधर खींच के भी नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप इतने पे भी आप जाते हो, जैसे 4, 5, 6 ये देखा, हमें गैपिंग होगी यहाँ पे, सिलेक्ट कर दिया आपने, हमें स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपको इतने से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप मैनेज करना चाहो तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। देखो डब्ल्यू प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये सेंटर पे, अभी आपको मेरे पास ये और ये नीचे वाला दोनों पार्ट सेंटर पे नहीं है, दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे डब्ल्यू, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये, ये अभी आपका यहाँ पे, तो यहाँ से आप सेंटर का पार्ट आप ले सकते हो, देखो देखो तो टंग से आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ से मैनेज करना चाहो मैनेज करके दिखा सकते हो, मुझे कोई इतने स्मूथ मेरा काम हो जाएगा। अभी मैं इसके स्मूथ की अगर मैं हिस्ट्री डिलीट कर भी दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के साथ मैं मैनेज कर लेता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है लेटेस्ट। तो कब कब आपको ये सब काम करना है, क्रिएट पे गए, लेटेस्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, टॉप पे गए, ठीक है, आर फॉर स्केल, स्केल में थोड़ा सा ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, इधर का पार्ट है टॉप पे गए, यहाँ पे देखें हम फ्रंट यहाँ पे और लेफ्ट में गए यहाँ पे, थोड़ा मैं पहले से अपनी चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। नहीं बस ये सब चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ, देखो ना इतना पार्ट मैंने कर दिया, जैसे जीप तो बहुत लंबी होती है, ठीक है, इतने से मेरा काम हो जाएगा। एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, याद रखो मैं स्मूथ के बाद डिलीट करूँ तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बेसिक इतने मॉडल पर मेरे पास काम चल जाएगा, ओके। चीज़ों को अगर मैनेज करना चाहो तो आप यहाँ पे हल्का फुल्का क्या होता है, ये दबाना चाहो हल्का सा दबा सकते हो, ठीक है, ये पार्ट अपने ऐसा कुछ कर दे सको, लिटिल बिट बेसिक शेप देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ए स्टैंडर्ड में डाल रखा था, मैं यहाँ पे ए स्टैंडर्ड ही असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, देन कलर तो चेंज करना है चेंज कर दो, मैंने सोचा अभी बस इतना काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, यहीं से एडिट डिलीट हिस्ट्री सब कुछ मैनेज करके गए, आउटलाइनर का कॉस्ट रखो, देखो अभी यहाँ पे फिर भी इतने ग्रुप हैं, मेक श्योर देखो यहाँ पे, देखा अभी आप इसे फाइल को सेव करके आप इसे मैनेज कर दो। तो यहाँ पे देखो सेव करोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे चीज़ों को मैनेज करना है आपने यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे आप क्या काम करने वाले यहाँ पे, टी टंग यहाँ पे, टी टंग यहाँ पे सेव कर दे मैंने, ठीक है। अभी इसको मुझे इस फाइल में लेके आना है और इसको मुझे हिस्ट्री डिलीट करना है, लाइक प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना है। अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, तो मैं मैनेज कैसे करता हूँ, मैं सब कुछ कंबाइन है ऑल टच से, देखा मैं सेंटर पे फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ग्रिड के यहाँ पे है कि नहीं ये क्रॉस चेक करना, अगर नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। तो पहला काम हम ये क्रॉस चेक कर लेना, दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ से इसको मैं लेके आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल में गया मैंने इम्पोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट करो, इम्पोर्ट में क्या कर रहा है कंट्रोल वी डनियन, कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में गए, देखा यहाँ पे
ये अरेंजमेंट ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कंट्रोल जी कर सकते हो ग्रुप, ठीक है, डब्लू, और देन यहाँ पे रोटेशन आप दे सकते हो आप यहाँ पे, है ना। यहाँ से चैनल बॉक्स पे गए और चैनल बॉक्स में जाके 180 कर दे तो मेरे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे आर फॉर स्केलिंग, देखो यहाँ देखा है, देखो यहाँ पे मुंह खुलेगा तो मुंह कैसे खोलना है, अब यहाँ पे ऐसा देखा तो यहाँ पे इस सब चीज़ को मैं मैनेज करके रखने वाला हूँ। मेरे को यहाँ पे फोकस कर दें, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे देखो 4-5 यहाँ पे, अभी आपको प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। देखा अभी यहाँ पे मुझे लगता है रोटेट करने की नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने, रोटेशन यहाँ पे दिया, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देखा भाई ये पार्ट यहाँ पे मैंने मैनेज किया, यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे है, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग में, तो अभी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, देखा यहाँ पे तो चीज़ों को मैं, अगर इससे मैं अभी ये प्लेसमेंट अगर मैं पहले नहीं करें तो फिर क्या होगा, बाद में हमारे लिए दिक्कत आ सकती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला, तो मेरे पास कैसे काम करना है। इसके अंदर भी एक चीज़ और भी है, जैसे दिखा था आपने ऑल टच किया, देखो यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट दिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसके बाद आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये अंदर की तरफ जाता है, तो लेफ्ट में जाओ, पहले 4 प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है, ये आप यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे इतना बार डिस्प्ले करो, ठीक है, आप चाहो तो इसे एक बार, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया स्विफ्ट और स्केल प्रेस करके, स्विफ्ट एंड स्केल करो मैं यहाँ पे, और मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे मैंने मैनेज किया है। तो मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ, पहले पहले इधर करो, ठीक है, 1 प्रेस करके देखो कि आप यहाँ पे सी देखेंगे, देखो ये डिसलेक्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा स्पेसिंग दो आप यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम तो यहाँ पे चाहिए तो बेटर हो जाएगा, दूसरी चीज यहाँ से मुझे 1 by 1 करके चीज को मैनेज करना, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे और इसको मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जगह बनेगी, यहाँ पे देख रहे हैं अभी जस्ट लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो ऐसे करके, देखो यहाँ पे सेफ से मेरे पास यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे आराम से मैनेज करके यहाँ पे चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, ये अंदर का पार्ट को कैविटी वाला पार्ट में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा भाई कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट में गए और देन 4 प्रेस करके, तो इसके अंदर आपका एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, मिक्स ये जब चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, डबल क्लिक कर दिया लेफ्ट में गए, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्विफ्ट नेक्स्ट टूट ये किया, इसको भी थोड़ा आप स्पेस दें यहाँ पे, लाइक सेफ कैसे जा रहा है आपको, धीमे धीमे आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देना कि आपको थोड़ा सा आइटम मिले। अभी जो मेरे पास चीज़ें बना के रखी हैं आप, ये पार्ट तो ऊपर की तरफ और डन ये पार्ट आपका देख रहे आपके यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया, लेफ्ट में गए 4 प्रेस कर दिया, देखो ऐसे करके थोड़ा सा मैनुअल डील करना तो आपका थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। प्लेसमेंट आपको ठीक कर लेना है पहले ही पहले, ठीक है। अभी देखो कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, देखो आप पीछे ये दिख रहा है, अभी ये जब तक इसके ऊपर यहाँ पे चीज़ देखा यहाँ पे, इसके ऊपर जब तक कवर नहीं तो कैसे जाएगा यहाँ पे, अभी आपको ये समझ के काम करना है, ये शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, अभी मैं एक करके एक्सट्रूड करूँगा तो मेरे लिए फिर दिक्कत होगी, मैंने डबल काम करना पड़ेगा मुझे पे। मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, ये एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, इतना बार डिसलेक्ट कर दिया इसको मैंने, ऊपर से ये पार्ट इधर से कवर कर रहा यहाँ पे, फिर मैंने इसे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया, नीचे वाले पार्ट को मैं ऐसे करके लेके जा रहा हूँ। तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे नीड क्या है, सेलेक्ट कर दिया स्विफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो आपको अभी गैप मिलेगा, मुंह खोलने के बाद कितना स्पेस रहना चाहिए ये आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर जब मुंह खुलेगा तो फिर अंदर का पार्ट भी दिखेगा, अंदर ब्लैक दिखेगा तो ऑड लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पार्ट में देखो हमने यहाँ पे भी किया ना, अभी यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया आर फॉर स्केल, तो ये अंदर का स्पेस मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि अंदर दिखे क्या, ओके सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने इसके लिए यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे,
ओके ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप। ये देखो आप देखो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे ये भी मेरे पास यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि शेप में बस अभी ये तो मैंने ऐसे ही स्केल कर दिया। देखो इसको मैं ऐसे तो समय मैनेज करूँ यहाँ पे देखो कहाँ पे मुझे नीड है कहाँ पे क्या पार्ट है मैं किसको कहाँ पर लेके जा सकता हूँ ये पार्ट मुझे अंदर की तरफ से मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। ओके ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना देखो ये आपने सेलेक्ट किया वी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे अंदर से भी आपको मॉडल थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है देखिए आप देख रहे हैं ये जो पार्ट में अंदर की तरफ देख रहा है मुझे इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। ठीक है ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया रिफॉर्मर लेटिस देखो लेटिस कितना काम आता है ये भी सोचने वाली बात है क्या आप इसका ध्यान दोगे तो बहुत सारा काम आपको बच जाएगा यहाँ पे। राइट क्लिक लेटिस पॉइंट इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे और सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी वो बाहर का बट तो नहीं दिख रहा यहाँ पे तभी आप इस चीज़ को ऐसे करके मैनेज करके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सेट कर दो एडिट डिलीट हिस्ट्री धीमे धीमे तो कोई पार्ट अभी ऐसे दिख रहा है देखो दांत भी देखेंगे ऐसे मैनेज भी दिखेगा आपका कैसे क्या काम करना है। ठीक है और ये जो पार्ट आपका अंदर की तरफ जो हमने बनाया है ठीक है आप ये भी क्या होता है कि मुंह खुलेगा तो मुझे यहाँ पे फोर प्रेस कर देखा आप ये पार्ट हम लोग यहाँ से शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ से इधर टर्न भी करना पड़ता है। ठीक है ध्यान रखना आप ये रिंग एंड स्प्लिट ओह सॉरी अंदर की तरफ से लगना है। ठीक है रिंग एंड स्प्लिट इसको मैंने थोड़ा ऊपर भी ठीक है यहाँ से रोटेशन आप दे सकते हैं कि वो मुझे मुंह खोलने पे इधर का पार्ट ना दिखे ऐसे करके तो ऐसा मैनेज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ पर लगे नीड है वहाँ पर आप थोड़ा सा सेगमेंट देना यहाँ पे और थोड़ा सा आप चीज़ों को बैलेंस करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि कैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ओके तो ये पार्ट आप यहाँ पे देखो सेलेक्ट करो यहाँ पे और देन यहाँ अभी देख रहे हैं आपका दिख रहे हैं पार्ट इन चीज़ को थोड़ा सा आपको मैनेज करने की नीड है यहाँ पे लगे कि मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी करूँगा। तो ऐसे ही करके आप जब तक आप मॉडल नहीं सेट करोगे तो आपको दिक्कत आएगी क्या ये देखें यहाँ पे कौन सा पार्ट है आपका हल्का फुल्का स्किल की नीड है स्किल कर दो आप यहाँ पे तो पॉसिबल है अभी आप ऐसे करके आप कर सकते हो। अभी आपको अगर एक्सप्रेशन बाकी चीज़ आपको कुछ देना है आप दे सकते हो आप कुछ ऐसे कुछ मैनेज करना है मैनेज कर सकते हो। ठीक है तभी आपका कुछ काम हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग कुछ चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे डिस्प्ले पे गए सो एंड ऑल तो ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाता हूँ मुझे यहाँ पे मैथ्स को कैसे रखना है किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है ए टू जेड यहाँ पे हम लोग चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है किस हिसाब से मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर को हमने इतनी मेहनत की दिखना तो है ही नहीं जब तक ये हाइट नहीं प्रेस हो गया तो ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा हमें ये पार्ट भी बना के रखना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है तो मेक श्योर इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो फिर इसके बाद हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हाँ भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं।